सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। सो आई एम मिथुन एंड यू वाच मिथुन की दुनिया विद अ न्यू ब्लॉग। सो काफी दिन बाद आज मैं ब्लॉग कर रहा हूँ एंड मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, काम करने जा रहा था हर रोज एंड कभी कभी एक दो वीडियो बना लेता था बीच बीच में। तो काफी दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ एंड आज मैं जा रहा हूँ गाँव, इसके लिए मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी एंड अभी हो रहा है टाइम 9। सो जाएंगे गाँव एंड अपना घर दिखाएंगे, दादी दिखाएंगे आपको एंड गाँव के दोस्त दिखाएंगे, सारे लोग को दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं गांव। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि मैंने एक स्टैंड ऑर्डर करा था अमेजोन से, मेरा जो स्टैंड है वो टूट गया था। तो इसके लिए मैंने एक अमेजोन से स्टैंड ऑर्डर करा था, ट्राइपॉड जिसको बोलता है ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड ये मेरा अमेजोन से मंगाया, जैसा कि देखते हो ब्रांडिंग। तो इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये देखो हमारा स्टैंड ओसाका ओएस 559 है इसका, 1000 रुपये लग गया सर करीब प्राइस। तो इसको करते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग। ये हमारा इसमें मिल गया एक कैरी बैग जो कि बढ़िया और प्रीमियम क्वालिटी का है, इसको आप लोग बैग की तरह कहीं भी टांग के ले जा सकते हैं। तो ये बैग जो है काफ़ी क्वालिटी बढ़िया का है एंड इसके अंदर है हमारा स्टैंड। तो ये हमने खोल लिया स्टैंड, बैग काफी अच्छा क्वालिटी का है। तो ये रहा हमारा ट्राइपॉड, सॉरी माउंट, फोन माउंट। तो साइज में इसको दिखाते हैं आपको, हमारा जो क्वालिटी है उस पर फोकस करते हैं। ये हमारा खुल गया ओसाका ओएस 550। तो ये हो गया हमारा स्टैंड तैयार। अभी ये ऊपर जाएगा, यहाँ तक आएगा ये। तो आप इस पे जो है माउंट लगा के ऐसे तो ये जो है इससे खुलेगा, इस प्रकार से ये खुल गया और इसमें ये फिट होगा ऐसे। तो ये हमने लगा दिया है, इसको इस प्रकार से लगेगा। अब जो है हमारा हो गया स्टैंड रेडी बिल्कुल। इस पर हम लोग फोन ऐसे लगा देंगे ऐसे, या फिर आपको जो यूट्यूब पे यूज करना तो ऐसे इस प्रकार से फोन लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फोन लग चुका है हमारा। तो चलते हैं, कुछ समझ रहते हैं, बात करते हैं, लाइक कर देना। तो गाइस मैं आ गया हूँ अभी टेकर स्टैंड एंड मैं भी बैठा हुआ हूँ मैजिक गाड़ी पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे बैग रखा हुआ है मेरा एंड गाड़ी खुलेगा 2 बजे। तो अभी हम लोग इंतज़ार करेंगे एंड चलेंगे घर। तो गाइस अभी मैं उतर गया हूँ मतलब गाड़ी से एंड चलते हुए जा रहा हूँ घर। गिम्बल सेट नहीं किया है और बैग में है, ये बैग बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। जिस गाड़ी से मैं आना चाह रहा था वो गाड़ी मेरे को मिला नहीं, छूट गया वो गाड़ी। लगभग 11:30 बजे ही खुल गया और मैं पहुंचा वहां पे लगभग 12 बजे। तो गाड़ी मेरा छूट गया, तो 2 बजे वो गाड़ी था उसी में आया मैं मतलब। तो अभी बज रहा है 3, मेरे को पहुंचना था 2 बजे लेकिन अभी 3:30 बजे तक घर पहुँचेंगे। तो जा रहे हैं पैदल, ये बैग बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। चलो चलते हैं, ये देखो रास्ता घर जाके आपको दादी दिखाते हैं, सारे दोस्त लोग को दिखाएंगे, रील्स वील्स भी बनाएंगे। चलो चलते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर एंड निकल गया हूँ बाहर सभी दोस्त लोग के साथ रील्स बनाने के लिए हम लोग। और गिम्बल अभी यहाँ पे है, इसको रेडी करेंगे। अपना गिम्बल भी ले आए हैं, इसको रेडी करेंगे, अभी लगाएंगे इस पर माउंट जो है फोन पे लगा दिया है, उसमें भी लगाएंगे हम लोग, रील्स वील्स बनाएंगे। सभी दोस्त लोग आ गए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो। हेलो गाइस, हेलो। तो अभी जो है हम लोग रील्स बनाएंगे, इसके बाद घर जाएंगे। मैंने बोला दादी को आपको दिखाऊंगा, दादी को भी दिखा दूंगा, भूल गया मैं घर जाते ही भूल गया सब कुछ। तो अभी रील्स मिलते हैं हम लोग रील्स बनाने के बाद। यहाँ पे हमारा गिम्बल खुल गया है, बैग रखा हुआ है, इसमें भर के ले जाएंगे इसको। तो चलते हैं घर। तो गाइस अभी हम लोग रील्स शूट करके आ गए हैं नदी। तो आप लोग देख सकते हैं नदी में पानी बिल्कुल सूख गया है,
हाँ ठीक हो। नदी में पानी बिल्कुल सूख गया है, नली बन गया, ऐसा क्या देखो नली बना दिया, उधर से एक नली इधर से एक नली, तो दोनों में नली, दोनों का नदी नदी मतलब यहीं संगम हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो एक नदी उधर से आता है और एक नदी इधर से आता है, इधर दूर से एक नदी उधर से आता है, तो दोनों नदियों का पानी यहाँ पे संगम हुआ है, दोनों नदी मिल गया है। कभी कभी इसमें बहुत पानी हुआ करता था, अभी पानी जो है सूख गया है बहुत ज़्यादा, तो पानी बहुत कम है, मतलब नदी में बालू ही बालू दिख रहा होगा आपको चारों तरफ। तो इसी में हम लोग गुजारा बसा चलता है, मतलब इसी में नहाते धोते हैं हम लोग, सुबह अभी टट्टी उट्टी इधर ही करते हैं हम लोग। जो कहने का है क्लियर। तो अभी हम लोग जैसे फ्रेश व्रेश होके जाएंगे घर, और हो सके दादी आपको दिखाएंगे, शाम हो जाएगा तो फिर पता नहीं लाइट उट रहता नहीं है, ब्लॉग नहीं बन पाएगा, नहीं का तो अगला ब्लॉग में आपको दिखाएंगे क्या है उसमें से। चलते हैं घर, हो सकते दिखाते दिखाएंगे आपको। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर, एंड ये रहा मेरा दादी जैसा कि आप देख सकते हो, और इनके हाथ में है क्या दिखाओ, हाथ में इनके हाथ में है 1 kg का च्यवनप्राश, जिससे मेरा दादी खाएगी और मजबूत हो जाएगी और हम लोग के साथ लंबा दिन तक रहेगी। क्या दादी लंबा दिन रहेगी मतलब जिंदा बहुत दिन तक रहेंगे ना, जिंदा बहुत दिन रहेंगे। तो मैंने आपको अपने दादी से मिला दिया, दादाजी भी सोए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए